विद्यार्थियों, नवांकुर डिजिलेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ पढ़ेंगे कक्षा 12 हिंदी विशिष्ट के घनानंद के पद, घनानंद के पद के रचयिता हैं स्वयं घनानंद। घनानंद रीतिकालीन कवि थे और मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में दरबारी कवि थे। वहीं उनकी प्रेयसी सुजान नर्तकी थी। इन पदों के द्वारा घनानंद के स्वयं के विरह का वर्णन है। सुजान द्वारा उनके प्रेम का उत्तर न देने पर घनानंद की स्थिति, वो स्वयं अपनी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। वे कह रहे हैं, उल्हाना दे रहे हैं सुजान को, कह रहे हैं, आप ही तो मन हेरी ऐसी तिरछे कर नैनन नेहे के चाव में। सुजान से कह रहे हैं कि हे सुजान, तुम स्वयं अपने तिरछे नैनों से नेह के चाव में, नेह मतलब स्नेह, स्नेह यानी प्रेम, प्रेम की इच्छा से मेरे मन को तुमने अपने बस में कर लिया है, हेर लिया है यानी चुरा लिया है, बस में कर लिया है, और अब तुम मेरा मजाक उड़ाती हो। हाय दही सु विसार दही सुधी कैसे कहें सो कहूँ कित जाऊँ मैं। घनानंद कह रहे हैं, हे ईश्वर, मेरी याद को उसने भुला दिया है, अब मैं ये किससे कहूँ, कहाँ जाऊँ और कौन मेरी बात पर विश्वास करेगा। मित सुजान अनिति का ये ऐसी ना चाहिए प्रीति के भाव में। घनानंद कह रहे हैं, हे प्रिय सुजान, ये कहाँ का अन्याय है, ये कैसा तुम्हारा व्यवहार है। प्रेम के मूल्य पर मुझे तुमसे ऐसा व्यवहार नहीं चाहिए। मोहन मूरत देखवे को तरसावत हो बस एक ही गांव में। मोहन यानी आकर्षक, आकर्षक छवि को देखने के लिए तुम्हारे गांव में यानी एक ही गांव में यानी एक ही स्थान पर रहने के बाद भी तुम्हारी आकर्षक छवि को देखने के लिए तुम मुझे तरसाती रहती हो, अर्थात तुम मेरे सामने नहीं आती हो। इस तरह वो अपने मन की पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं। सवैया छंद है, मुक्त शैली का प्रयोग किया गया है। वियोग श्रृंगार रस, अनुप्रास और यमक अलंकार का प्रयोग दिखाई देता है। सुजान की निष्ठुरता का सजीव चित्रण और कवि की विरह भावना परिलक्षित होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पद की ओर। घनानंद कह रहे हैं, पहले अपनाए सुजान सनेसो क्यों फिर नेह के तोरी अजू। अपना सुजान से कह रहे हैं कि तुमने पहले प्रेम पूर्वक मुझे अपनाया, फिर क्यों इस प्रेम के, नेह मतलब स्नेह, प्रेम के बंधन को क्यों तोड़ना चाहती हो या तोड़ती हो। निर्धार आधार है धार मजार दही गई बहाना बोरी अजू। वो सुजान से कह रहे हैं कि निर्धार आधार यानी बिना आधार के बीच मझधार में प्रेम की धारा के बीचों बीच ले जाकर वहाँ ना बोरी अजू, मेरे हाथ को मत छोड़ना, मुझे निराधार मत करना और मुझे डूबने मत देना। बोरना मतलब डूबना होता है। प्रेम की धारा के बीचों ले बीच ले जाकर मेरे हाथ को मत छोड़ना, मुझे डूबने मत देना। घनानंद अपने चातक को गुण बांध ले मोहना छोरी अजू। घनानंद कह रहे हैं, जिस तरह एक चातक पक्षी निश्चय कर लेता है कि वर्षा के जल को पिएगा, उसी तरह मैंने भी प्रण किया है, इसलिए मेरे प्रेम को तुम ठुकराना मत, छोड़ना मत, मतलब ठुकराना मत। रस प्याए के जियाए बढ़ाए के आस विश्वास में यूँ बिस घोरी अजू। कह रहे हैं, जो प्रेम का रस पिलाकर तुमने मेरी आशा को बढ़ाया है, उस आशा को मत तोड़ना, मुझे निराश नहीं करना, विश्वास में विष मत घोलना। इस पद में भी सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। श्लेष और अनुप्रास अलंकार की छटा दिखाई देती है। ब्रज भाषा का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। चातक की टेक अर्थात चातक का जो गुण होता है उसकी बात की गई है। अगले पद में कवि घनानंद
प्रकृति के जो जीव हैं उनको उलाहना दे रहे हैं उनको, क्योंकि वह है उनके विरह को और तीव्र कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। कोयल की मधुर आवाज़ सुनकर वो कहते हैं, कारी कूरी कोकिल कहाँ को बैर काटती रही, हे काली कलूटी कोयल तू कहाँ का बैर निकाल रही है। जो कू की अवाई करे जो किन कोर ले, ऐसा लग रहा है कि तू कूक कूक कर, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, कू की दो बार आया है, ऐसा लग रहा है तू मेरे कलेजे को छल नहीं कर देगी, हृदय को छल नहीं कर देगी। पेड़े परे पापी कलापी निशि देव ज्यों ही चातक रे घातक हिवे तू कान फोर ले। पेड़े परे यानी पीछे पड़े हैं ये कलापी यानी मोर, मोर की आवाज़ सुनकर वो कह रहे हैं ये मोर भी जो है पापी मेरे पीछे पड़े हैं, रात दिन पीछे पड़े रहते हैं, निशि देवस रात दिन पीछे मेरे पीछे पड़े रहते हैं। चातक रे घातक, चातक पक्षी की टेर सुनकर वो कह रहे हैं, आवाज़ सुनकर कह रहे हैं कि हे चातक तू भी जो है आज मेरे लिए जो है कष्टदायक हो गया है, घातक हो गया है, कष्टदायक हो गया है, तू कान फोड़ ले, तुझे भी आज मौका मिला है तू भी मेरे कानों को कष्ट पहुँचा ले। आनंद के घन प्राण जीवन सुजान बिना जानी के अकेली सब घेरो दल जोर ले। घनानंद कह रहे हैं घनानंद को आनंद देने वाले उनके प्राण प्रिय सुजान की अनुपस्थिति में ये सभी जो है मुझे अकेला जानकर, जानी के अकेली अकेला जानकर सब ने दल बना लिया है और मुझे घेर कर कष्ट पहुंचा रहे हैं। वे उनसे कह रहे हैं जोलों करें आवन विनोद बरसावन भी, कह रहे हैं जब तक मेरे प्राण प्रिय सुजान नहीं आ जाते हैं तोलो रे डरा रे तब तक तुम्हें तुम लोग सभी मिलकर मुझे भयभीत कर लो। बादल की गर्जना सुनकर कह रहे हैं कि हे बादलों तुम भी जितना गर्जना करना है कर लो, लेकिन सुजान के आने के बाद तुम सभी मिलकर भी मुझे कष्ट नहीं पहुंचा पाओगे। और इस तरह जो है वो प्रकृति के ये जो उद्दीपन है उनके विरह को उद्दीप्त कर रहे हैं, उनको उलाहना दे रहे हैं। ब्रजभाषा का प्रभावशाली वर्णन है, देश शब्दों का प्रयोग किया है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हमने पहले बताया था आपको कि जब शब्द की आवृत्ति होती है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, कुकी कुकी दो बार आया है इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, अनुप्रास अलंकार भी है। तो आज हमने घनानंद के तीन पद जो कि आपकी पाठ्यपुस्तक में दिए हुए हैं उनका अध्ययन किया, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। और अगले वीडियो में फिर हम नए पाठ के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।